नमस्कार, विवेक गुप्ता बोल रहा हूँ। सिर्फ MBBS काउंसलर नहीं बल्कि करियर काउंसलर, लाइफ काउंसलर। और क्विक अपडेट है ये आप लोगों के लिए कि देखिए, अब राउंड टू ख़त्म हो गया, हर जगह से रिजल्ट आ गए हैं। राजस्थान का आना बचा है, अगर मैं नॉर्थ इंडिया की बात करूँ और साउथ में तो अभी तेलंगाना का पहला राउंड का रिजल्ट आना है, आंध्रा का पहला का आ चुका है। ठीक है, मुद्दे की बात यह है कि मेरे पास एक फ़ोन आया तो मुझे लगा कि आप सबको बता दूँ। देखिए, मैं हमेशा प्योर काउंसलिंग मेरिट से सीट लेने का भक्त रहा हूँ। मैं हमेशा आपको सलाह देता हूँ कि कोई भी नकली पेपर, गलत पेपर मत लगाइए अपनी काउंसलिंग के लिए, करेक्ट। और फिर कुछ रास्ते हैं जिनमें से हम सीट निकाल सकते हैं अगर हमारे नंबर मेरिट से कम होते हैं, राइट। वो रास्ते कई बार हमने शेयर किए हैं। और सबसे जो कॉमन रास्ता है वो वही है कि हाई फीस की नेगोशिएटेड सीट, जो कि राजस्थान या तमिलनाडु पौंडीचेरी में निकलती है, सेट्रा सेट्रा सेट्रा। सो 95% सीटें मेरिट से मिलती हैं, 2-5% जो सीटें दूसरे रास्ते से मिलती हैं या वो सीट ब्लॉकिंग करके दिलाई जाती है आपको कुछ स्टेट्स में, मैं यहाँ पर नहीं बताऊँगा, आप इशारा समझ जाओगे। सिमिलरली इसी में एक मध्य प्रदेश बहुत कॉमन स्टेट है, मैं नॉर्थ इंडिया की बात करूँ तो। और मैंने आपको एक वीडियो पहले बनाया था, आप लोगों ने बहुत सराहा था कि इंडिया में NRI सीटें 3 टाइप की हैं। एक, जब बच्चे को प्योर NRI होना ही चाहिए। दूसरा, जब बच्चे का एक क्लोज ब्लड रिलेशन या फर्स्ट ब्लड रिलेशन होना चाहिए, जो कि MCC में लागू होता है या राजस्थान में लागू होता है या हिमाचल में लागू होता है या हरियाणा में लागू होता है, और प्योर NRI पंजाब में लागू होता है, और लेकिन एक तीसरा गुजरात में, और एक तीसरा भी होता है कि वॉल्ड ऑफ NRI। अब वॉल्ड सबसे ओपन होता है जिसमें कोई नकली पेपर नहीं है, मतलब आपका एक अंकल भी आपको NRI का वो दे सकता है स्पॉन्सरशिप। सबसे फेमस कर्नाटक है, और अब कर्नाटका का मॉपअप राउंड जब आता है तो वही सीटें होती हैं जो आपको नेगोशिएशन करके भी दी जाती है कर्नाटका में, राइट। बट अक्सर कर्नाटका की सीट थोड़ी महंगी पड़ जाती है, जो कर्नाटका के बेंगलोर के कॉलेजेस हैं, जैसे कि अपना रामिया, विदेही वगैरह वगैरह, वो 150 ऊपर जाता है, 160-170 चला जाता है, और फिर आकाश, ईस्ट पॉइंट वगैरह वगैरह आपको 110-115 में मिल जाते हैं। तो राउंड 3 में, लेकिन कर्नाटका में पार्टिसिपेट करने के लिए आई होप कि आपने राउंड 1 में फॉर्म भरा था, और आप डेफिनेटली सीधा NRI का भर सकते थे वॉल्ड वाला सर्टिफिकेट बनवा के। और दूसरा स्टेट जो फेमस है, आई नो कि मैं डायमंड ख़राब कर दिया आप लोगों के, वो है मध्य प्रदेश, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी हर प्राइवेट कॉलेज में NRI सीट है, जो कि कर्नाटका के मुकाबले बहुत सस्ते में दी जाती है। और मध्य प्रदेश राउंड 1 और 2 में क्लोज था राजस्थान की तरह, 3 में वो बस सेम बात है, वो कहते हैं कि हम ओपन है अगर सीट बच गई लाइक राजस्थान, बट मध्य प्रदेश में तो सीट बचने का चांस ही नहीं है, क्योंकि जो नॉर्मल कॉलेज की फ़ीस है वो जिसे कहते हैं ना बिल्कुल ही चिल्लड़ है, मतलब 10-11 लाख रुपये मैक्सिमम कॉलेज की फ़ीस है। और फिर मध्य प्रदेश में वो मेधावी छात्र योजना चलती है, SC ST की फ्री पढ़ाई होती है, तो वहाँ कोई बाहर वाले को 1 रुपये का भी चांस नहीं है सीट मिलने का, अदर देन NRI सीट। NRI सीट आपको मिल सकती है, और वही मध्य प्रदेश के कॉलेजेस प्रोएक्टिवली आपको देना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा ना कि कर्नाटका में तो फ़ायदा क्या है कि NRI की सीट ना पहले कन्वर्ट होकर ओ कोटा में बनती है, जो वहाँ पर अदर कोटा है, विच इज़ अवेलेबल फॉर ऑल इंडियंस, राइट। तो मॉपअप में अगर NRI नहीं आएंगे तो NRI को पहले वो ओ कोटा में कन्वर्ट किया जाएगा, और ओ कोटा की सीटें कॉलेजों ने बेची रखी होती हैं। और स्ट्रेम मॉपअप में भी अगर ओ नहीं आएगा सो देन दे कैन गिव इट एट एनी फीस, बट मध्य प्रदेश में राउंड 3 में ही NRI की सीट बन जाएगी नॉर्मल सीट। तो जितने भी कॉलेज वाले हैं उनकी जान जल रही होती है, तो अब आपको फ़ोन आने शुरू हो जाएंगे। और मध्य प्रदेश भी, जैसे मैंने आपको राजस्थान में कॉलेजों की गेम बताई थी, तो मध्य प्रदेश के जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं, जितने भी वो सब प्रोएक्टिवली आपको फ़ोन करवाते हैं, और वो सब कहते हैं कि हमसे भाई NRI की सीट ले लो, आपके पास कागज नहीं है वार्ड का, हम बना देंगे, आपको नेगोशिएट करके सीट दी जाएगी, कोई आपको बहुत महंगा खर्चा नहीं करना होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई उसमें घपला नहीं है, कोई उसमें गलत पेपर नहीं है, ये मैं आपको आराम से मतलब वादा कर सकता हूँ, गारंटी दे सकता हूँ, राइट। सो बहुत सारे जो यू नो भोपाल की बात करें, पीपल्स है, LN मेडिकल कॉलेज है, चिरायू है, RKDF है, जो और एक महावीर भी है वैसे तो कहने को, पर महावीर में नहीं जाना चाहिए हमें अगर पॉसिबिलिटी हो तो। फिर इसके अलावा भोपाल में रामकृष्ण मेडिकल कॉलेज भी आ गया है, फिर हम जानते हैं इंदौर है जिसमें इंडेक्स है, तो ऐसे 9-10 कॉलेज हैं, इन सब में NRI की सीट है। NRI की फ़ीस का MRP देखोगे तो हिल जाएगी 40 लाख रुपये साल की, बट नेगोशिएट करके आपको वो इस समय 1-1.5 के पैकेज में आपको विद हॉस्टल मिल जाएगा, और पेपर बनवाने की ड्यूटी भी हमारे मतलब वो लोग लेते हैं। तो जो भी आप में से वीडियो को सुन रहा है, जिसको भी सीट नहीं मिल रही है, जो डेस्परेट है, वही 150, 160, 170 नंबर वाले लोग,
वैसे तो राजस्थान भी आपके लिए आएगा ऑप्शन, मध्य प्रदेश भी ऑप्शन आपके लिए, जिसको जो देखिए जगह पसंद हो जाना। मध्य प्रदेश में भोपाल और इंदौर दोनों अच्छे शहर हैं, छापर एक कॉलेजेस हैं। बट फॉर्म मत भरिएगा अभी, और फॉर्म भरने से पहले बिल्कुल क्लियर रहिएगा कि आपको NRI की सीट लेनी है, तो जल्दी मत कीजिएगा फॉर्म भरने में। मैं थोड़ा सा बिज़ी हूँ आज, तो फॉर्म भरने में जल्दी मत कीजिएगा, पहले आप बात कर लीजिए NRI सीट के लिए, क्योंकि आपको ऐसे NRI फॉर्म भरना पड़ेगा, वरना आपको सीट मिलने का कोई चांस नहीं है। ठीक है, तो आपको NRI सीट मिल सकती है। तो जब देखोगे तो मध्य प्रदेश में बहुत सारी NRI सीट्स राउंड 1 या 2 में अलोकेट हो जाती हैं, तो वो सब की सब नेगोशिएटेड सीट्स ही होती हैं। ठीक है, आपका दिन शुभ हो, नमस्कार, बाय बाय।